नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं इकराम। धर्म परिवर्तन को लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया एजेंडा चला रहा है वो किसी से छिपा नहीं। जिस तरह से नफरत धर्म परिवर्तन के नाम पर फैलाई जा रही है वो आप लोगों को पता ही है। जब से एटीएस ने गिरफ्तारी की थी उमर, गौतम और जहांगीर की, उसके बाद एक बाढ़ आ गई थी। लगातार मैं आपके सामने खबरें कर रहा हूँ, लेकिन एक मामला मैं हाल फिलहाल आपके सामने लेकर आया हूँ जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, जो हमारी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBSA, उसको कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आपने किसी की प्राइवेसी, किसी की डिटेल सार्वजनिक तौर पर इन न्यूज़ चैनल को कैसे अथॉरिटी दे रखी है कि वो फैलाते। और इस मामले में नवभारत टाइम्स और जी मीडिया को भी फटकार लगी है। उनको नोटिस जारी किया कि आकर जवाब दीजिए कि आप किसी की भी ऐसे जो प्रोफाइल है वो सार्वजनिक तौर पर कैसे कर सकते हैं। उस महिला का आरोप यह था कि जैसे कि उसकी महिला के वकील ने बताया, तानी अग्रवाल ने, कि इन्होंने उसकी डिटेल जो उसने क्लासिफाइड अखबार में दी थी, क्योंकि इस महिला ने 2012 में धर्म परिवर्तन किया था, अपना स्वेच्छा से किया था, बिना जोर जबरदस्ती के किया था और उसी के कारण आज तक इस्लाम धर्म का पालन कर रही है, दिल्ली में रहती है। तो इसने हाल फिलहाल क्लासिफाइड में एक ऐड दिया था, जैसे लोग देते हैं कि मेरा पहले ये नाम था, अब मैं इस नाम से जाने जाती हूँ और भविष्य मुझे इस नाम से जाना जाए। बस नवभारत टाइम्स का वो क्लासिफाइड शायद वो डिटेल जो थी वो इन्होंने उठा ली और उसके चलते फिर जी मीडिया ने से जिस तरह से बदनाम किया वो किसी से छिपा नहीं है। यहां तक कि उस महिला के बारे में ना जाने कौन कौन सी अफवाह फैलाई गई। इस महिला का आरोप है कि उसे लगातार धमकी आ रही है, उसे हैरेसमेंट किया जा रहा है, उसे अलग अलग लोग कॉल कर रहे हैं, कहां से कॉल आ रही है ये नहीं पता, लेकिन पूरी तरह से बदनाम कर दिया। उसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। तो जो जज हैं रेखा पल्ली, उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है जी मीडिया और ना बारह टाइम्स को कि जरा आइए और हमें जवाब दीजिए। एक महिला जिसने अपना प्रमाण पत्र, नाम का प्रमाण पत्र कि मैं भविष्य में इस नाम से जानी जाऊंगी, उसके लिए ऐड दिया, उसी को आधार बनाकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप लोगों भी जब इस तरह की चीज़ करते हैं, क्लासीफाइड ऐड देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारे लोगों के सामने चला भी जाता है। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया ने लोगों की डिटेल उठा उठाकर अखबारों से क्लासीफाइड ऐड ढूंढ करके फलाने का नाम पहले क्या था, अब क्या है, वहां से डिटेल उठाई और खूब अपनी रोटी सेंकी टीआरपी के नाम पर, खूब नफरत फैलाई। अब यहां पर इस मामले में जी मीडिया को देखते हैं कि क्या जवाब देना पड़ेगा और जो नवभारत टाइम्स है वो जाकर क्या जवाब देगा। वैसे तो पहले भी इन्हें कई बार फटकार पड़ी है हाईकोर्ट वगैरह से, जुर्माना भी लगा, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि क्यों नहीं मानते। जब तक आकाओं का सर पे हाथ है तो ये लोग शायद नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही दिल्ली पुलिस को एक चीज़ के लिए भी कहा कि उस महिला को जहाँ पर वो रह रही है वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करें, जिससे कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई संगठन या कोई एजेंसी ज़बरदस्ती उसको उत्तर प्रदेश ना ले जाए। तो ये न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल किस तरह से एक आदमी की प्रोफाइल उठाकर उसे सार्वजनिक रूप से किस तरह से बदनाम कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल फटकार लगी है, फटकार का असर कितना होगा वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और खबर के साथ।